तो बच्चों, कल जहां से मैंने टॉपिक छोड़ा था वहीं से थोड़ा वापस फॉर्मूलों को मैं आपको बता देता हूं और वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह समझ लें। हो सकता है आज कोई केवल इस वीडियो को देख रहा है, तो वापस इस फॉर्मूलों को वापस समझा देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला, सेम साइन विल बी एडेड। सेम साइन प्लस और प्लस एड होंगे, माइनस और माइनस भी एड होंगे, एड होंगे। अपोजिट साइंस विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये आप लिख लेंगे, माइनस प्लस हमेशा जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस और प्लस हमेशा माइनस होंगे, मीन सब्ट्रैक्ट होंगे, एंड प्लस एंड माइनस आल्सो सब्ट्रैक्ट। तो ये फर्स्ट रूल है आपका। सेकंड रूल जो है आपका वो देखिए, ये आपका कैलकुलेशन के हिसाब से सम और डिफरेंस का है। सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये है मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का आंसर क्या आना है क्या नहीं आना है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बोलते जाना है प्लस प्लस प्लस। जब प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस, यहां पर बोलना है आपको इंटू, यहां पर इंटू नहीं आया है, इनमें इंटू नहीं आया है। तो कई बच्चे बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, वो क्योंकि उनके दोनों में डिफरेंस है। ये माइनस इंटू, इसको वापस मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो दोनों हैं, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं आपको। यहां पर ये दोनों ऐड होंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं, हमेशा दिमाग में डाल रहे हैं आप, क्योंकि आप बोलते हैं, आपकी आदत हो जाती है माइनस माइनस प्लस, तो आंसर भी प्लस लिख देते हैं, जबकि इसका आंसर हमेशा माइनस आएगा, चाहे आप रात के 12 बजे भी लिख रहे हैं नींद में। अब यहां पर देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। अभी तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा ना, फिर आपको समझ आएगा। प्लस माइनस माइनस एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आप हमेशा याद रख लेंगे। इसको प्रैक्टिस में करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो मैं आगे आपको कराता हूं क्वेश्चंस, वो देखते रहिए अब आप। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, वो आप देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, -30 प्लस -40 एंड -60। यहां पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमेशा, इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये मल्टीप्लाई हैं, तो इसको हम ओपन करें आप, -30 प्लस माइनस माइनस, आपके रूल नंबर थर्ड या फोर्थ में आप देखिए आपका आराम से, तो ये आपका प्लस माइनस, लेकिन आप इसको बार बार बोलिए। तो प्लस माइनस माइनस इट इज 40 एंड -60। अब आप इसे देखिए, सारे जो माइनस हैं तो इस सारे के सारे ऐड होंगे, आप प्लस मत बोलिए, आप क्या गलती से बोलते हैं प्लस होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वो गलत है। आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड वर्ड बोलिए, क्या बोलेंगे आप, ऐड ऐड, तो यहां ऐड लिखिए आप। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 60 40 100 एंड 30 130, और मैंने आपको बताया माइनस आएगा इस पे। तो ऐड करते वक्त निशान वो ही माइनस आएगा, आप इसे प्लस नहीं लिख सकते हैं, बोलने में आप बोल देते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, -10 प्लस -30 माइनस -40 -50। अब आप यहां पर देखिए अगेन, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है। ब्रैकेट खोलना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए सेकंड फॉर्मूला है। ब्रैकेट रिमूव कैसे होता है, आप नोट कर लीजिए। ब्रैकेट रिमूव होता है सेकंड फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा है मल्टीप्लाई वाला है, तो वो आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये एज इट इज लिख दीजिए। अब आप आइए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और -50। अब आप रुकेंगे थोड़ा सा
अब मैं समझा रहा हूं, उस चीज को देखेंगे आप। आप क्या करिए, जो माइनस 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 इन सब पे राइट का निशान लगा दीजिए, अलग से इन सारे राइट को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करिए 10 और 30 40 40 एंड 50 90, तो ये आपका 90 आ गया। अब आप वापस देखिए, जब भी आप ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव निशान आएगा इनमें, माइनस वालों को जब भी आप मन में बोलिए आप कि माइनस वालों को जब भी मैं ऐड करूंगा तो माइनस का निशान मैं लिखूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस 90, ये एज इट इज 40 यहां पे लिख दीजिए। अब आप ये क्रॉस है, इस प्लस वालों को क्रॉस लिखना है, माइनस वालों को राइट लिखना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का वही तरीका है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन विल बी सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट कर डालिए फटाक से, ये 50 आ गया। अब आप निशान देखिए किस पे है, बड़े वाले का निशान माइनस है, बड़े वाले का निशान यहां लिख दीजिए, अगर प्लस का होता तो आप प्लस लिखते। तो वेरी सिंपल, दिस द मेथड। ब्रैकेट ओपन करना आपको आना ही चाहिए। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको मैं भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस आगे और करा रहा हूं मैं, उनको देखिए। तो ये बात हुई प्लस माइनस के कैलकुलेशंस की। अब मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई में ले चलता हूं। फर्स्ट -3 × 4 − 3 × −5, थर्ड 4 × −5, −5 × −12, +12। नाउ लिसन, जब भी ये इस तरह से ब्रैकेट हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, इनके आंसर तो आपको पता है 60। बस इंटीजर कर रहे हैं तो सारा खेल माइनस और प्लस का है। इंटीजर आपके दिमाग में आने के लिए प्लस और माइनस का सारा खेल है, तो आपको बहुत ध्यान से इनके माइनस प्लस को लिखना है। तो लिसन, देखिए इट इज माइनस, कैसे हुआ ये माइनस और ये प्लस, जिसके पास निशान नहीं है वो प्लस है। तो इट इज −3 and −+। अब आप रूल को देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस है, माइनस और माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई में प्लस है, तो प्लस। तो आप इसको 15 लिखिए। अब यहां पर देखिए आप 20 और माइनस, कैसे, ये प्लस का है, इट इज प्लस, नहीं है जिसके पास वो प्लस, तो इट इज −20। माइनस एंड प्लस, अगेन माइनस, −60 इज द आंसर। तो वेरी सिंपल, और मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसको देखिए। अब आप, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। −1 × −2 × −3, आंसर। सेकंड −5 × 5 × −6, थर्ड वन −1 × 2 × 3 × −4, वेरी सिंपल मेथड। अब इनको आप जरा ध्यान से देखिए किस तरह से इनको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें, तो इट इज 2, प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू, हम निशान नहीं लिखते हैं प्लस का, ये इन दोनों का रिजल्ट यहां पर आ गया है, और ये एज इट इज −3, तो आंसर आ गया आपका −6। कैसे, प्लस माइनस माइनस, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, तो इसके पास जो निशान है, साइन है, वो प्लस है, तो −25। माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इंटू −6, ये एज इट इज आ गया यहां पे, यहां पर आ गया है, ये लिखना भूले नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 6 × 5 = 150, 150 इज द आंसर, और प्लस का लिखना नहीं है आपको,
देयर इज द आंसर। नाउ अगेन ये चार नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 12 इंटू माइनस 2 और आंसर आपका आ गया प्लस प्लस 24 इज द आंसर। तो बहुत इजी है कि आप इस इन क्वेश्चंस को करेंगे और अपनी कॉपी में आज मैं एक्सरसाइज दूंगा, आप उसे करिए और जहां तक है कल से मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, तब तक ये दोनों रूल पे प्रैक्टिस करिए, दोनों रूल के क्वेश्चंस बना के मैं आपको डालूंगा, आप उनको सॉल्व करिए और शाम को उसका रिजल्ट देखिए। अच्छा बच्चों, तो इंटीजर्स में मैंने आपको दो रूल बताए हैं, उन दो रूल पे फर्स्ट रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, सेकंड रूल पे ये क्वेश्चन है। आज आप प्रैक्टिस करिए इसकी, इसके बाद मैं बहुत जल्दी इनके आंसर रिलीज करूंगा, तो वो आंसर से आप अपने आंसर को मिलाइए और बहुत एंजॉय करिए कि आपको बहुत मजा आएगा कि क्वेश्चंस से आप जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर हम मिलेंगे।